व्हाट्सएप पर बिना इंटरनेट होगी चैटिंग, ऐसा नायाब फीचर जिससे मजा हो जाएगा 10 गुना ज्यादा। अगर आपके स्मार्टफोन में इंटरनेट खत्म हो जाता है तो आप चैट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा फीचर आया है जिसकी बदौलत आप बिना इंटरनेट के व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकेंगे। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला चैटिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको किसी भी अन्य चैटिंग प्लेटफॉर्म की तुलना में काफी ज्यादा यूजर्स मिलते हैं। व्हाट्सएप पर यूजर्स को एक से बढ़कर एक फीचर्स दिए जाते हैं जो चैटिंग के दौरान आपके बड़े काम आते हैं और चैटिंग को सरल और फास्ट भी बनाते हैं। कंपनी ने अब एक नया फीचर अपने प्लेटफॉर्म में शामिल करने का प्लान बनाया है जो यूजर्स का एक्सपीरियंस बदल कर रख देगा और उनको चैटिंग का एक नया अंदाज दिखाएगा। कौन सा है यह फीचर और क्या है इसकी खासियत? व्हाट्सएप ने 5 जनवरी को अपने नए फीचर के बारे में ट्वीट करके ऐलान किया है। दरअसल कंपनी बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी चैटिंग ऑप्शन ऑफर करेगी, जिसमें इंटरनेट ना होने के बावजूद भी यूजर्स आसानी से चैटिंग कर पाएंगे। आपको बता दें कि कंपनी ने इंटरनेट ब्लॉक होने के बावजूद प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट होने के फीचर को शुरू किया है। यह नया फीचर बेहद ही दमदार होने वाला है। नए फीचर की जानकारी व्हाट्सएप ने एक ट्वीट के माध्यम से दी है, साथ ही यह भी बताया कि प्रॉक्सी इंटरनेट के जरिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने पर लोगों की प्राइवेसी पर कोई खलल नहीं पड़ने वाला और ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन से सुरक्षित भी रहेगा। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने विशेषकर यह नया अपडेट ऐसे देशों के लिए जारी किया जहां लोग स्वतंत्र होकर एक दूसरे से संवाद नहीं कर सकते, क्योंकि यहां इंटरनेट या फिर व्हाट्सएप पर बैन है। ऐसे में प्रॉक्सी की मदद से ऐसे लोग बेझिझक एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। आखिर क्या है प्रॉक्सी सर्वर? सरल भाषा में आप प्रॉक्सी सर्वर को इस तरह समझिए कि जब आप प्रॉक्सी सर्वर के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी छिपी रहती है। प्रॉक्सी सर्वर यूजर और वेबसाइट के सर्वर के बीच एक माध्यम की तरह काम करता है। नए फीचर को ऐसे करें यूज। प्रॉक्सी फीचर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में जाएं। ध्यान रखें, आपका व्हाट्सएप लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए। अब आपको स्टोरेज एंड डाटा के ऑप्शन में जाना है और यहां आपको प्रॉक्सी का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, जिसे चुनने के बाद आपको प्रॉक्सी एड्रेस डालना होगा। ये वो एड्रेस होगा जिसकी बदौलत आप व्हाट्सएप को यूज कर पाएंगे। एक भरोसेमंद और सिक्योर प्रॉक्सी एड्रेस को ढूंढने के लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। नेशनल डेस्क, न्यूज लाइफ, बिहार।